तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई के इसी सिलसिले को जारी रखने के लिए हम लेकर आए हैं रीजनिंग का बेहतरीन सेशन। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। तो सभी बच्चे लाइव हो जाएंगे और बिल्कुल बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से आज के मॉक टेस्ट को देंगे। और आप सब लोगों को पता है कि सर जो टारगेट हम लोग लेते हैं, ये लेते हैं 25/25 का। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, बताइएगा। सभी बच्चों को एक बार बहुत बढ़िया से, बड़े इत्मीनान से आंसर देना होगा। बताइए भाई, क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? कुछ बच्चों ने कहा था सर जो टाइमिंग आप रखिएगा सर 20 सेकंड जो है। तो चलिए भाई, टोटल 10 सेकंड नहीं, आप लोगों को समय हम देंगे 20 सेकंड। बताइए आंसर क्या आएगा सभी बच्चे एक बार भाई। ठीक, अभी है आदर्श कुमार, है आदर्श कुमार बोल रहे हैं राम राम, राम राम भाई आदर्श कुमार, राम राम। बताइए आंसर क्या आएगा। टाइम इज ओवर। अच्छा एक बात सुनिएगा बड़े गौर से, हम आप लोग से ये कह रहे हैं लॉजिक क्या लग रहा है। अच्छा बताइए, क्या कोई बच्चा आंसर देगा? अभी तक आदर्श आंसर नहीं दिए, ना आदर्श दिए ना अभी दिए, कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहा। एक छोटी सी बात सुनिएगा, लॉजिक क्या लग रहा है? अगर हम इसमें तीन गुना कर दें, अगर हम इसमें तीन का गुणा कर दें तो बताओ कितना होगा? आपने बोला 75, बहुत अच्छी बात है। और अगर इसका दुगुना कर दे तो आ जाएगा 150। ठीक है भाई, 25 + 75 और 75 दुनी 150। क्या वो लॉजिक इसमें कहीं लग रहा है? आपने बोला सर यहां पे जो है अगर तीन गुना करोगे तो कभी 36 आएगा नहीं, तीन गुना करोगे कभी नहीं, तीन गुना करोगे नहीं। अच्छा 36 का तीन गुना करो, आपने बोला यस सर। 36 का जब तीन गुना करेंगे तो कितना आ रहा है? आपने बोला 108। बात समझ में आ गई? अरे करके देखो भाई। लेकिन अगर हम 108 का दुगना करेंगे, क्या कभी पॉसिबल है कि 324 आए? नहीं पॉसिबल है। यहां पे अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ऑप्शन गलत है, यहां पे कुछ आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है। देखो गलती कैसे कर रहा है, एक बात सुनिएगा बड़े गौर से। अगर हम इन दो और पांच का जो अंतर होता है ना, वो होता है तीन। तो अगर हम पांच में से दो को घटा देंगे तब तो ये तीन आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे मल्टीप्लाई तीन का हो गया है, बात समझिएगा। इसी प्रकार अगर सात और पांच के डिफरेंस को लेंगे तो डिफरेंस आएगा दो, और यहां पे अगर हम टू टाइम्स कर देंगे तो 75 × 2 यानी 150 हो जाएगा। वही काम हमें इस ऑप्शन में करना है, क्योंकि छह और तीन का जो डिफरेंस होता है वो होता है तीन, और जब हम 36 में तीन का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? आपने बोला 108। तो आप एक बात ये बताइएगा, अगर हम यहां पे 108 आ गया, इनका डिफरेंस कितना आ गया? 108 आ गया। तो भाई यहां पे जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? आपने बोला सर सीधे सीधे जो आंसर आएगा ये हमारा हो जाएगा। एक मिनट, और एक चीज और, आपने यहां पे क्या कर दिया भाई, इसका 6 और 3 का डिफरेंस ले लिया 108। तो जो ये मैच कर रहा है सेम वही चीजें यहां पे मैच कर रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो भाई नहीं नहीं सी नहीं होगा, सी गलत हो जाएगा भाई। देखो सी तीन गुना हो गया, लेकिन ये तो बनेगा नहीं, गलत है भाई, सी नहीं होगा, गड़बड़। सी नहीं होगा, 13 × 26, ठीक है सर ये गड़बड़। और क्योंकि तीन और एक का जो डिफरेंस है वो दो होगा, और 6 और 2 का डिफरेंस 4 होगा, तो 26 में जब 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25 × 4 और एक एक लेंगे 26 × 104। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी को हम लोग टिक कर लेंगे। सर आपने ये क्वेश्चन क्यों बताया? हमने ये क्वेश्चन इसलिए बताया, अभी एक हफ्ते पहले एक क्वेश्चन बताया था तो इसमें हमने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, जल्दीबाजी में ये ऑप्शन करा दिया था, जबकि ये गलत है। क्योंकि कुछ हमने ये सोचा शायद ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सही है लेकिन ध्यान दीजिए ऑप्शन नहीं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो आप लोग का यहां पे तरीका लगेगा वो ये लगेगा, इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दीजिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। बोलिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। यहां पे एक बात सुनिएगा, इस सीरीज को देखिएगा, ठीक है, और इसी पैटर्न के आधार पर यहां पर सीरीज दिया गया है, तो पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोग को बताना है।
प्रजापति क्रिएशन बिल्कुल सही बी होगा। गुड इवनिंग भाई, अभी बहुत बढ़िया भाई, शानदार। जल्दी से बताइएगा आप लोग क्या आंसर आना चाहिए। सुनिएगा, टाइम इज ओवर। अच्छा एक मेरी बात सुनेंगे आप लोग, बड़े गौर से सुनिएगा। ये जो है ना, ये वाई है, आपने बोला यस सर ये वाई हो गया, ठीक है। अब आपने कहा ये वाई है तो हमने भी मान लिया ये वाई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला सर वाई, हमने बोला यस ये वाई हो जाएगा। अच्छा देखो, ये तो वाई हो गया। अच्छा वाई के बाद फाइव कब आ रहा है? आपने बोला सर एक दो तीन, और इसके बाद एक दो तीन के बाद फाइव आ रहा है, यानी वाई के बाद ओ आएगा और ओ के बाद फाइव आएगा। तो आपने बोला वाई के बाद ओ हो जाएगा और ओ के बाद फाइव आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनिए लॉजिक, देखा गया है पी के बाद एस कैसे आया। तो आपने कहा सर पी के बाद एक दो तीन और यहां पर एक दो तीन, तो आपने बोला सर P के बाद एक दो तीन पर I आएगा और I के बाद एक दो तीन यानी तीसरे प्लेस पर S आएगा। तो यहां पर राइट आंसर O और I होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यही जवाब दे रहे होंगे भाई। यहां पे जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया शानदार प्रजापति क्रिएशन। नेक्स्ट, अब आप लोगों को यह बताना है जो दिया गया डायग्राम है इसमें टोटल कितने ट्रायंगल होंगे, ये जल्दी से आप लोगों को बताना होगा। दिए गए डायग्राम में टोटल कितने ट्रायंगल होंगे बताइए भाई, सभी बच्चों को बताना है कि दिए गए डायग्राम में टोटल कितने ट्रायंगल होंगे। और यकीन मानिएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का गलत जवाब दे देंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि आप लोग सही जवाब दीजिएगा। बस भाई टाइम खत्म, ठीक है। टाइम को कितना ज्यादा दे दिया। अब देखिए बच्चे क्या सोच रहे हैं ना भाई, देखो यहां पर एक दो तीन, तो आपने बोला इस आधार पर तीन दो पांच और एक छह ट्रायंगल होंगे, बिल्कुल सही। छह ये हो गए, एक दो तीन, तो इस पर तीन दो पांच एक छह यहां पे होंगे, छह ये होंगे, इसकी कहानी खत्म। अब देखिएगा अगर हम बात करें इस बेस की, तो इस बेस पर कितने होंगे, तीन होंगे, और इस बेस पर भी कितने होंगे, तीन, तो तीन तीन छह, तो यहां पर आ जाएगा सर कितना, आपने बोला छह और आ जाएंगे। अब सुनिएगा अगर हम बात करते हैं इस बेस की, बड़े वाले बेस की, देखो भाई हम बात कर रहे हैं बच्चों किस बेस की, इस बेस की बात करेंगे तो इस पर भी कितने होंगे, तीन, कौन कौन से, एक ये होगा, एक ये होगा और बड़ा वाला होगा, तो आपने बोला सर तीन इसमें होंगे। अच्छा एक बात और, कुछ और बाकी है, क्या बाकी है, तो बिल्कुल ही अलग वाले ट्रायंगल जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो भाई क्या बाकी है, ये तो बिल्कुल अलग रह ही गया, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा एक्स्ट्रा ट्रायंगल ये है। तो बोलोगे सर यहां पर कितने, यहां पे दो, तो एक बात बताओ जरा सबको ऐड कर लो, छत्री का 18, दो 20 और तीन 23, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, 23 होंगे। प्रजापति क्रिएशन गलत जवाब दे रहे हैं, सही आंसर आप लोगों का कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अब देखना होगा आप लोगों को अगले क्वेश्चन का आंसर, बताइए कि आखिर इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा। आदर्श कुमार बताइए इस क्वेश्चन में वास्तव में क्या लॉजिक लगाएं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाए, एक बार आप लोग बताइएगा बिल्कुल सही आंसर। अभी हो गए प्रजापति क्रिएशन, हो गए आदर्श कुमार, हो गए, बहुत बढ़िया भाई, बताइए आंसर क्या आना चाहिए। हां जी आंसर आप ही लोगों को बताना है, हम नहीं बताएंगे, आंसर तो आप ही लोग दोगे। टाइम इज ओवर, बता दो भाई क्या आना चाहिए, नहीं बताएंगे। अब सुनिएगा यहां पे लॉजिक क्या लग रहा है, अगर हम यहां पे देखो भाई हम ये समझाना चाहते हैं, आपने बोला सर क्या समझाना चाहते हैं, सुन लीजिए जो हमें समझाना है, हमें तो ये समझाना है कि अगर हम इसमें दो का गुणा कर दें और तीन जोड़ दें तो चार दुनिया आठ तीन ग्यारह, और अगर हम यहां पर तीन का गुणा कर दें, ग्यारह तिया तैतीस और दो घटा दे तो इकतीस, यहां पर क्या है फिर से दो का गुणा करेंगे तो इकतीस दूनी बासठ तीन पैंसठ, यहां पर फिर से तीन का गुणा करना है तो आएगा कितना भाई, 195 घटाना 15 और दो घटा देंगे तो आ जाएगा 193। अब क्या करेंगे, तो अब करना होगा फिर से दो का गुणा और तीन जोड़ना होगा, तो इसका दुगना करो, तीन दोनी छह, नौ दोनी अठारह और दो एक कम दो एक तीन, और इसमें अगर तीन जोड़ोगे तो हमारा आंसर आएगा 389। बोलो कितने बच्चों ने आंसर दिया है बी, बिल। नेक्स्ट बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा भाई।
थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, बताइए आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है। टाइम इज ओवर। अब सुनिएगा यहां पे क्या आएगा भाई, कोई बच्चा ऐसा जो आंसर दे रहा हो, देखो एक छोटी सी बात, अगर हम यहां पर इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, मेरी बात सुनिएगा, छोटी सी बात है और बस बड़े गौर से सुनना आप लोगों को, अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो 9 7 16 और 16 का आधा होता है 8। अगर हम यहां पे सुनिएगा, अगर हम इन दोनों को देखो, पहले इन दोनों को लिया 9 7 16 का आधा 8, 7 5 12 का आधा 6, 5 3 8 का आधा 4, अब सुनिए 8 6 14 का आधा 7, 6 4 10 का आधा 5, 7 5 12 का आधा 6, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 6 होगा। अब ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, अब देना होगा इस क्वेश्चन का जवाब, एक मिनट जरा सुन लीजिएगा, क्वेश्चन ये है, कथन ये है कि दिल्ली में प्रदूषण और वायु की जो गुणवत्ता है ना, स्वीकार स्तर से ज्यादा है, यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है, कार्रवाई क्या होनी चाहिए। पहला सुनिएगा, कहा गया है वाहनों को ऑड डे और इवेंट डे, आपको पता है सर सम और विषम दिनों में चलाने के लिए समूहों में डिवाइड किया जाना चाहिए, अगर भाई दिल्ली में प्रदूषण है तो कार्रवाई क्या होगी कि सम और विषम दिनों पर क्या होंगे, गाड़ी चलाया जाना चाहिए, पहला तो यह हो गया, तो क्या यह सही है। आपको पता है दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से वहां पे ऑड डे और जो इवेंट, आपने बोला ऑड और इवेंट डे पे, कह रहे मतलब सम और विषम दिनों पर, सम दिन पर सम नंबर वाली गाड़ी चलेगी, विषम दिन पर विषम दिन वाली गाड़ी चलती, यह आपने दिल्ली में देखा होगा, ठीक है। तो सर यह तो हमें बिल्कुल सही लग रहा है। अब सुनिएगा अगला क्या है, कहा गया है यहां पर सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए, तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है, केवल पहला क्या होगा सही होगा, तो राइट आंसर क्या है, केवल पहला अनुसरण करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कहा गया है, सुन लीजिएगा बड़े गौर से, 7 क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक पेपर है, ठीक है, अगर इस पेपर को इस डॉट डॉट जो बना है ना, अगर इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो बताओ नया डायग्राम कैसा दिखाई देगा, क्या इसके जैसा या इसके जैसा या इसके जैसा या इसके जैसा, तो आप बताइए किसके जैसा दिखाई देगा, अगर आप पेपर को इस पे फोल्ड करते हो तो बताइए कैसा दिखेगा। आदर्श कुमार, मुन्ना बहरे, अभी, ठीक है, सभी लोग बताएंगे, आंसर नहीं देंगे आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये इसको पलटा देंगे तो बड़े गोले के अंदर ये आ जाएगा, बड़े गोले के अंदर ये, लेकिन जब छोटा वाला है ना वो इसके अंदर चला जाएगा, तो आप देखिए क्या है, बड़ा गोला ब्लैक, बड़ा गोला ब्लैक और ये इसके अंदर जाएगा, तो बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सी का मतलब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गई होंगी बातें, अब देखना होगा आप लोग को अगले क्वेश्चन पे, दीजिएगा जवाब इस क्वेश्चन का, बोलो भाई, नहीं करना तो आप लोग को है, ये मत सोचो सर करेंगे, एक बात बता रहे हैं, कहा गया ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, पहले सुन लो फिर आप लोगों को टाइमिंग देंगे। करा एल एम और एन क्रमशः हिस्ट्री, तो एल क्या है, ये इतिहास को शो करता है, हिस्ट्री को, उसके बाद यहां पर एम जो है ना, इसके बाद एम भूगोल को शो करता है, और यह कहा गया है कि एन जो है ना वो भाषा को शो करता है, तो आपसे यह कहा गया है इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने लेकिन भाषा का अध्ययन नहीं करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। हां जवाब तो हमें आप ही लोग से चाहिए, बोलिएगा आंसर क्या रहा है, नहीं बोलेंगे आप लोग, प्रजापति क्रिएशन बताइए। अच्छा मेरी एक बात सुनिएगा, क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि भाषा का अध्ययन नहीं करने वाले छात्रों का, तो भाषा का अध्ययन जो नहीं करते हैं, तो ये भाषा का अध्ययन नहीं करने वाले छात्र हैं, इनको हम बिल्कुल हटा देंगे, तो बताओ भाषा का अध्ययन नहीं करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करेंगे लेकिन भाषा का अध्ययन नहीं करेंगे, तो बताओ इतिहास को जो पढ़ेंगे वो ये है, भूगोल को पढ़ने वाले ये है, तो उनकी संख्या केवल 5 ही तो होगी ना, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, और हम तो यही जानते हैं कि आप लोग भी यही दे रहे होंगे, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया।
अब ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखो ये जो डायग्राम है ना, आपसे ये पूछा गया है कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, और आप लोगों को बड़े इत्मीनान से बताना होगा कि कितने ट्रायंगल है। समय सीमा केवल केवल 20 सेकंड। बताइए आंसर क्या आएगा। देखिएगा क्या आंसर होगा। सुनो, बहुत सारे बच्चे मालूम है गलत काउंट करते हैं। काउंट करने का तरीका क्वेश्चन को देखकर कैसे बढ़िया से काउंट करें। एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये, चार तीन सात, दो नौ और एक दस। दस के बाद आप सुनिएगा, अगर इसको बेस मानोगे तो ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ठीक है। ये जो होगा ये 14 होगा, ये जो होगा ये 15 होगा, ये 16 होगा, ये 17 होगा। अगर एक तरफ 17 है तो ये डबल सेम भाई, इसके बाद सेम है तो 17 दुनी क्या हो जाएगा, 17 दुनी 34 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, 34। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही एग्जैक्ट और राइट आंसर है। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों ने क्या आंसर दिया है। 32 बिल्कुल ही गलत जवाब है। याद रखिएगा हमारा सही जवाब 34 है। भाई 16 और 17 भी तो काउंट करेंगे ना। अच्छा कुछ बच्चे ये जो मिक्स, देखो भाई आपों ने क्या छोड़ा होगा, तो इनके बीच जो कंबाइंड है इस ट्रायंगल को छोड़ दिया होगा, इसलिए आप लोग के दो कम आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आप बताइए, ये अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत शानदार लगेगा। एक बार क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, फिर जवाब आप लोग दीजिए। अगर परीक्षा के दौरान एक निरीक्षक ने कहा यदि कोई भी नकल करने का प्रयास करता है तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा अगर कोई नकल करेगा तो। अब सुनिए धारणाएं क्या है। कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही है। अब ये कहा गया है, अरे आप लोगों को बताना, हम नहीं बताएंगे, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, हम तो हट ही जा रहे हैं। क्या ये बात सही है, कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे। तो एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे। सर ये तो हमारा सही बिल्कुल नहीं हो सकता है, कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं। तो सर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कुछ छात्र परीक्षक द्वारा नकल करते हैं और छात्र परीक्षक द्वारा नकल नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर या तो वाली कंडीशन होती तो हम कर देते हैं, लेकिन यहां पे राइट आंसर क्या होगा, केवल केवल पहला। तो भाई यहां पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार जिन बच्चों ने आंसर दिया है। ये रहा अगला क्वेश्चन, और इसमें आप ये मत करें कि सर आप ही बताइए, बिल्कुल नहीं बताने वाला क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट कर देते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और आप लोग को यह अरेंज करना है। बताइए आंसर क्या आएगा। टाइम इज ओवर। अच्छा क्या बताइए, गलती कर रहे हैं आप लोग, क्या सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। कितना छोटा है, 7 फ्रेंड है ना। आपने बोला यस सर, बोला गया है पी जो है ना केवल यू और आर से लंबा है। आप समझ गए कि यहां पे जो पी है, देखिए आप क्या समझ गए, जो समझ गए उसको बस लिख दो। आप ये समझ गए ना, क्यों हैंग कर रहा भाई, आप ये समझ गए, सुन लीजिएगा। आपसे कहा गया पी जो है ना केवल यू और आर से लंबा है, दो लोग से। फिर कहा गया आर लेकिन यू से लंबा है, तो आर लंबा है यू से और पी केवल दो लोगों से लंबा है, ठीक, यहां तक खत्म। एस क्यू एस से तो लंबा है, क्यू जो है ना एस से तो लंबा है, लेकिन टी से छोटा है। 6 लोग हो गए, 7वां क्या है, टी सबसे लंबा नहीं है। जब टी सबसे लंबा नहीं, तो सबसे लंबा कौन होगा, वी होगा। आपसे यह पूछा गया है कि क्यू और आर के बीच, क्यू और आर के बीच कितने लोग हैं, तो 1 और 2। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यही जवाब दे रहोगे, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, इसमें तो बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हम आप लोगों को यह बताएं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बोलिएगा इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लग रहा है, कैसे करेंगे, बस इस बात को बताइएगा। आप कह रहे हो सर ये 6 है, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, बात बताइए। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, बिल्कुल सही। 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आएगा,
और 15 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 18। आपने बोला यार कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें आर आ रहा होगा, आपने बोला सर केवल इकलौता ऑप्शन डी है, तो राइट आंसर क्या डी नहीं आ जाएगा? बोलो भाई डी आएगा कि नहीं आएगा? आपने बोला यस सर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अब इसमें माइंड लगाइएगा और जवाब दीजिएगा। समय सीमा जो है 20 सेकंड देते हैं, जल्दी से स्टार्ट कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लग रहा है। चलिए भाई अब देखिएगा लॉजिक ये लग रहा है, ये 5 से 100 कैसे बन रहा। हमने एक काम किया कि अगर हम 5 का क्यूब कर दें, सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं, जिन बातों को हम कहें उन बातों को बस आप समझिएगा। अगर हम यहां पर 5 का क्यूब कर दें और 5 के स्क्वायर को घटा दें, 5 का क्यूब होता है 125 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और इन दोनों का जो अगर घटा देंगे तो आएगा 100। वही काम इसमें किया गया। अगर हम यहां पर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा और इसमें अगर 3 के स्क्वायर को घटा देंगे तो 9 आएगा और 27 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 18। ये बात समझिएगा। अब सुनिए अगला क्वेश्चन, तो नहीं अगला क्वेश्चन कहां भाई, अगर ये 9 है तो 9 के क्यूब में 9 के स्क्वायर को घटाओगे तो 9 का क्यूब तो होता है 729 और 9 के स्क्वायर में 81 को घटाओगे तो 9 में से 1 गया 8, 12 में से 8 गया 4, बचता है 648 और राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा क्या हो रहा है लॉजिक। सुनिए भाई लॉजिक क्या लग रहा है, एक बात सुनिएगा। कहा गया है कि ए, देखो जो ए है ना, एक मिनट जाओ, ए के पास 28 एलिमेंट है, बी के पास 32 है और दोनों के पास 40 है। कहा गया है कि ए, भाई देखो यहां पर है ना, क्या सुनिएगा, ए के पास कितने हैं 28 है, ए के पास कितने हैं 28 है, बी के पास कितने हैं, तो आपने बोला बी के पास 32 हैं। अब ये बताओ 8 अगर जोड़ देंगे तो 28 और 32 कितना होगा भाई, इनको जोड़ दिया जाए, ए बराबर 28 और यहां पर बी बराबर 32 और अगर हम जोड़ देते हैं 8 2 10 3 2 5 6 60 हो जाएगा। सुनिएगा 60 हो गया और ये कहा गया अगर ए के पास 28 है, बी के पास 40 है और दोनों के पास, देखो भाई दोनों के पास 40 है तो बचता कितना है 40 घटा दो 20, कितना बचा भाई 20 बचा, तो यहां पर ये आ जाएगा 20। अब सुन लो, अगर ये 20 है और ये क्या है ए है, तो बताओ ए के पास ये 20 है, इतना 20 है तो ए के पास कितना आएगा 8, यानी ए के पास केवल 8 होगा, 20 और 8 28। अब बी के पास बी है तो केवल बी के पास कितना होगा 12, क्योंकि 20 12 32, तो बच्चों यहां पे ये पूछा गया है बी में केवल कितने एलिमेंट हैं, तो बी में केवल 12 एलिमेंट हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जवाब बी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया रात, बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बोलिएगा आप लोग, आप सभी लोगों को इसका आंसर देना होगा। अच्छा एक बात बताइए, लॉजिक को समझिएगा और बड़े गौर से सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि अगर हम इसमें एक की कमी कर दें, जो 10 है ना, अगर हम इसमें एक कम कर दें तो यहां पे 9 आ जाएगा और इसका 5 गुना होता है 9 × 45। इसी प्रकार अगर 6 में एक कम कर देंगे आएगा 5 और 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 9 में कम कर देंगे आ जाएगा 8 और 8 में 5 का गुणा करेंगे 8 × 45, तो बच्चों राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 40 हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, बताइएगा क्या आना चाहिए, जल्दी से आप लोग बोलिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें सही जवाब आप लोग क्या दोगे, टाइम तो उतना ही देंगे। देखो लॉजिक क्या लग रहा है, आर बराबर 87 बोला गया है, ठीक है, नॉट बराबर ये, तो कैट बराबर क्या होगा,
मुन्ना बहरे प्रजापति SS-40 आंसर है। अच्छा साइड हो जा रहा है। टाइम इज ओवर। अब सुनिएगा लॉजिक क्या लग रहा है। यहां पे लॉजिक ये लग रहा है, अगर हम बात करें यहां पे लॉजिक की, तो जरा सुनिएगा R बराबर 87 कैसे आया। आपने बोला यहां पे R बराबर 87 है। अच्छा मेरी एक बात सुनेंगे, आपने बोला जी सर, हम कह रहे हैं A बराबर 1 होता है, R बराबर कितना आ जाएगा भाई, अरे 18 और E बराबर कितना है 5, और 18 पंचे 90 और 90 में से 3 घटाएंगे 87। आपने कहा क्या वो लॉजिक इसमें अप्लाई करेगा, बिल्कुल भाई। ये 14 है, ये 15 है, ये 20 है, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 दुनी 30 यानी 300 और 14 तिया 42 यानी 4200, और 4200 में 3 घटाओगे तो आ जाएगा कितना आप लोग का 4000 यानी 4297। तो C बराबर 3, A बराबर 1, T बराबर 20, 20 तिया 60 और 60 में से 3 घटा दोगे तो आ जाएगा 57 और राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। बताओ कितने बच्चों ने जवाब दिया है D, बिल्कुल गलत होगा, केवल ऑप्शन नंबर C होगा। अब देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना जिससे हम कहें नहीं आप लोगों ने बहुत गलत जवाब दिया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि दिए गए डायग्राम में टोटल कितने स्क्वायर हैं, बताइए कितने स्क्वायर हैं। मुन्ना बहरे बहुत सही आंसर भाई, बहुत बढ़िया लाजवाब आंसर दे रहे हैं। प्रजापति क्रिएशन बहुत अच्छी बात है। इंजीनियर रामराज प्रजापति बहुत शानदार, बताइए आंसर क्या आना चाहिए इसका। गलत दे रहे हैं, नहीं जवाब नहीं होगा भाई, गलत दे रहे हैं आंसर। अच्छा मेरी एक बात सुनिएगा, हमने आपको कई बार बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कभी आप घबराइएगा नहीं, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को पता है हमने बताया था कुछ नहीं करना है, 1 2 3 इसका स्क्वायर करके सबको जोड़ देंगे, तो वही काम बड़े वाले में थोड़ी देर के लिए आप ये सब कुछ भूल जाओ। बस इतना याद रखिए कि यहां पर एक लाइन, यहां पर ऐसी लाइन, यहां पर ऐसी लाइन, यहां पर ऐसी लाइन, ये 1 ये 2 ये 3 इनका स्क्वायर करके अगर आपस में ऐड करेंगे तो 9 4 13 1 15, अरे 9 4 13 13 1 14, इसमें तो 14 हो गए। अच्छा देखो 14 के बाद क्या आएगा, ये कौन सा होगा, 14 के बाद ये होगा 15वां, 15 के बाद ये होगा 16, 16 के बाद ये आएगा 17, 17 के बाद क्या आएगा ये 18, तो टोटल हो जाएंगे 18। क्या आप लोग भी 18 ही आंसर बता रहे हैं, तो बहुत सा नहीं नहीं गलत, 24 कैसे होगा भाई, 18 बस स्क्वायर होंगे, 24 बिल्कुल नहीं होंगे, केवल 18 होंगे, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब ये रहा डाइस का क्वेश्चन, आपसे देखो क्या पूछा गया, टाइमिंग तो हम दे दे रहे हैं, आप बस इतना बताइएगा कि यहां पे सी का अपोजिट क्या होगा। एक डाइस की 3 स्थितियां हैं और आपसे पूछा गया है कि सी का अपोजिट क्या होना चाहिए, तो एक बार सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन को देखें और बताएं कि इसमें इसका अपोजिट क्या आएगा। कॉमन कहीं दिखा कुछ, दोनों में देख लीजिए भाई, कॉमन दिख जाएगा। चलो भाई टाइम इज ओवर। एक बात बताइए, आपने कहा सर बी इसमें भी कॉमन, बी इसमें भी कॉमन, देखो अगर बी भी कॉमन है तो आपने कहा बी के बाद क्या आएगा डी, डी के बाद एफ, भाई जो चीज कॉमन होती है इसको फिक्स करके क्लॉकवाइज घुमा दो, इसी तरह इसको फिक्स करके क्लॉकवाइज घुमा दो, तो बोलोगे बी, बी के बाद सी, सी के बाद ई, एफ का अपोजिट ई होगा, डी का अपोजिट सी होगा और बी का अपोजिट ए होगा, ठीक है। तो आपने बोला सर यहां पे क्या आएगा, एक बात बताओ सी का अपोजिट क्या होगा, तो सी का अपोजिट डी हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोग भी ये आंसर कर रहे हैं, सच बोलिएगा। अरे वाह बहुत अच्छी बात है, मुन्ना का अच्छा आंसर है प्रजापति क्रिएशन SS, बिल्कुल सही आंसर। अब देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखो लॉजिक को बड़े गौर से समझना, इसमें आप पहले ये देखो कि क्या लॉजिक लग रहा है, कितने टर्म्स हैं, काउंटिंग कीजिए, ठीक है उसको तोड़ के बनाइए। तो अब टाइम को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लॉजिक देखिएगा फिर आप लोग बताइएगा, करो भाई विदाउट टाइम कीजिए, कोई नहीं सोचिएगा समझिएगा और फिर बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। एक बार लॉजिक को देखिए, सोचिए समझिए आंसर क्या आएगा। हमें तो ये लग रहा ना, पहले आप लोग करो कि देखो यार ये जी डी ई, ठीक है अगर हम यहां पर जी कर दें तो आ जाएगा जी डी ई एफ, हमको एक चीज समझ में आ रही है जी डी ई एफ, जी डी ई एफ ये चीज समझ में आ रही है और ये चीज नहीं समझ में आ रही है। और कुछ समझ में आ रहा है, यस जी डी ई एफ, ठीक ये समझ में आ गया, डब्ल्यू नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या समझ में आएगा भाई सब लोगों को, तो हमको समझ में आ गया जी
डी ई एफ, ठीक है, और जी डी ई एफ ये नहीं समझ में आया, जी डी ई एफ अब देखो समझ में आ गया भाई, देखो यहां पर जी डी ई एफ, जी डी ई एफ, जी डी ई एफ, ठीक है, और यहां पर जी डी एफ हो क्या रहा है। सबसे पहले आपने देखा कि सर तीसरे स्थान पर ई है, देखो भाई एफ है, तीसरे स्थान पे एफ, उसके बाद एक कम ई, एक कम डी, एक कम क्या होगा भाई, एक कम क्या होगा, नहीं 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 हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया यहां पे, ये तो सब सही है भाई, जी डी ई एफ कुछ नहीं कमी है यहां पे, जी डी, अरे भाई जी डी, जी डी ई एफ, जी डी ई एफ, डब्ल्यू, डब्ल्यू 23 है, 23 में कम कर दो 22, 22 में कम कर दो 21, 21 में कम कर दो 20, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आप देखो, एफ डी वी जी ई, एफ डी वी, एफ डी वी जी ई, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप लोग ने भी यही कर लिया, सच बताइएगा, जो हम कर रहे हैं क्या आप लोग भी वही कर रहे हो, सच बोलिए, तो बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को दिया है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, सुनिएगा समझिएगा आंसर दीजिएगा, जैसा कि हमने आप लोग, देखो भाई टाइम तो स्टार्ट हो गया लेकिन मेरी एक बात सुनिएगा, हमने आपको बताया था जब भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक वाले क्वेश्चन आएंगे आप एक तरफ क्लॉकवाइज लिखोगे और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे, ठीक है। अब देखो क्लॉकवाइज कितना है, एंटी क्लॉकवाइज कितना है, इन दोनों को आपस में काट दीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा। रीता का फेस जो है ना वो दक्षिण पूर्व की ओर है, सबको पता है दक्षिण पूर्व ये होता है साउथ ईस्ट, टाइम इज ओवर। अब देखो आपने बोला सर सबसे पहले वह 1350 क्लॉकवाइज घूमता है, 1350 क्लॉकवाइज, उसके बाद वह 900 एंटी क्लॉकवाइज, फिर वह 450 क्लॉकवाइज मुड़ता है, 450 क्लॉकवाइज मुड़ता है, उसके बाद 1350 एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है, अच्छा एक बात सुनो भाई, यहां पे 1350 से 1350 कैंसिल, 900 में से 400 घटाएंगे बचेगा 400, ठीक है, और 400 जो है वो ज्यादा है किस कंडीशन में, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा 450 का मतलब होता है सर 360 प्लस का 90, तो देखो भाई अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 360 घूमेंगे तब तो फिर से साउथ ईस्ट पे चले हैं, लेकिन फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर 90 घूमेंगे तो हमारा स्थान होगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। क्या कहीं यहां पे नॉर्थ ईस्ट है, तो आप लोग बोलोगे ऑप्शन नंबर बी, क्या आप लोग भी यही जवाब दे रहे हो, डी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 21, एक बार जल्दी से आप लोग बता दो इसमें आखिर लॉजिक क्या लगाएंगे। हमने ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों को यह बोला था कि आप उस साइन को पकड़िए डिवाइड को जिससे जो कटता हो, अगर हम यहां पे डिवाइड कर दे तो ये 35-7 से कट जाएगा, ठीक है, या फिर यहां पे डिवाइड कर दे तो 14-2 कट जाएगा। एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं ये तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पर डिवाइड कहां है, पहले को ले लेते हैं, यहां पे प्लस, यहां पे डिवाइड, यहां पे माइनस, यहां पे मल्टीप्लाई इक्वल टू, अगर ये नहीं होगा तो फिर हम इसको पकड़ेंगे, तो अगर जब आप डिवाइड करोगे तो 7×5 35, ये 57×5 62, और 62 में से 28 घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 34, अरे ये तो पहला ही से ही हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यही आंसर दे रहे हो, बहुत शानदार गजब का आंसर बताइएगा। अच्छा ये क्वेश्चन में तो बड़ा मजा आ रहा होगा सर, लॉजिक क्या लग रहा है, आप बस ये कोशिश करो कि 37 से आप जो है 100 तक पहुंचोगे कैसे, बस आप ये सोचिए कि 37 से आप 100 तक कैसे पहुंचेंगे, बस इतना दिमाग लगाइए, या फिर 29 से 76 तक कैसे पहुंचेंगे, देखो टाइम तो खत्म हो गया आप लोग का। एक बात बताएं जरा सुनिएगा, सुन लो, अगर आप इसमें 3 का 37 में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 3×3=9 और 7×3=21, यानी आप बोलोगे सर यहां पर 111 और 111 में अगर 11 घटा दो तो 100 आ जाएगा, क्या वो चीज इसमें लॉजिक लग रही है, आपने बोला चेक करते हैं।
29 का अगर आप क्या करोगे, जरा सुन लीजिएगा बड़े आराम से और ध्यान से सुनना है, कि अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, 29 में अगर 3 का गुणा कर दें तो 20 तिया 60 और 9 तरीक 27, यानी 60 और 27 87 होगा, और 87 में अगर हम लोग क्या घटा दे 11 को तो कितना आएगा आप लोगों का 76। सेम उसी प्रकार अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आप लोगों का 72, और 72 में अगर 11 घटा दोगे, सुनो भाई 24 20 60 4 3 12 72, और 72 में अगर 11 घटाएंगे तो 1 और 6 61, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद तो करते हैं यही बहुत अच्छा भाई, सभी बच्चों ने जवाब दे दिया है, कीजिएगा बताइए आंसर क्या आ रहा है, प्रजापति क्रिएशन एसएस, बहुत अच्छा भाई, मुन्ना बहरे आदित्य राज 21 का फर्स्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा उसकी मां की इकलौती बेटी। अच्छा सुनो, तस्वीर में एक फोटो लगी है एक आदमी की ओर, एक आदमी की फोटो है भाई, इशारा करते हुए अनीता ने कहा कि इस आदमी की मां की इकलौती बेटी, अच्छा इस आदमी की मां की इकलौती बेटी, इसकी मां की इकलौती बेटी यानी इसकी बहन हुई, इस आदमी की मां की यानी इसकी मम्मी की इकलौती बेटी, ठीक है, मेरी मां है, इकलौती बेटी क्या है, इस जो लड़की बोली है अनीता की मां है, तो कहा गया अनीता का उस आदमी से क्या संबंध है, अनीता इस आदमी की क्या लगेगी, भैया ये बताओ बहन की जो लड़का लड़की होती है उसको भांजा भांजी बोलते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोग भी ये दे रहे हो, बिल्कुल सही। अब ये रहे दो क्वेश्चन आप लोगों के घर के लिए, तो बच्चा एक तो क्वेश्चन ये रहा, ये आप लोग घर से करके लाएंगे क्वेश्चन नंबर 24, और एक क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन देते हैं आप लोग को हम, ये जो आप लोग घर से करके लाएंगे, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे ये होमवर्क है और ये आप लोग घर से करके लाएंगे। पहला क्वेश्चन जैसा कि बोला हमने ये, और ये दूसरा क्वेश्चन ये, तो बच्चों जैसा कि आप लोग को पता है एएलपी कंप्लीट फाउंडेशन में CBT 1 CBT 2 इसको परचेज करने के लिए दिए गए नंबरों पे आप जल्दी से कॉल करेंगे, जिन बच्चों के पास ये फाउंडेशन बैच नहीं है जो लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करेंगे। तो बच्चों आज के साथ हम आज के जो सेशन को है यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे सेम टाइम पर, तब तक ले जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट।